हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि काशवी सोचेगी मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं देख सकती हूँ कि अर्जुन की टी शर्ट कैसे निकलेगी और उसका टैटू दिख जाएगा। तभी वो पानी का ग्लास लाती है और अर्जुन की टी शर्ट के ऊपर फेंक देती है और कहती है आई एम सो सॉरी, गलती से हुआ। थोड़े टाइम के बाद वो फोर्स करती है कि टी शर्ट रिमूव कर दे ताकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाए। और तभी वो देखती है कि टैटू कहाँ है और जैसे ही वो देखती है कि टैटू उसके हाथ पर है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। तभी यहाँ पर अर्जुन कहता है क्योंकि मुझे नहीं लगा इम्पॉर्टेंट है तुम्हें बताना। वो कहती है कि क्यों, तुमने मेरे लिए ही तो बनवाया है, तो मुझे ही नहीं बताओगे। तभी अर्जुन कहता है कि मैंने तो ये केव फॉर कृष्ण जी बनवाया है। और काशवी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको कुर्ता देती है फेंक करके और कहती है जाओ जाकर के तैयार हो जाओ, और वो अंदर चली जाती है। मीनवाइल अर्जुन रिकॉल करता है कि उसको कितना पेन हुआ था ये टैटू बनवाने में अपने हाथ पर, लेकिन वो भगवान कृष्ण का थैंक्स कहता है आपने काशवी को मेरी ज़िंदगी में भेजा। तभी वो डिसाइड करता है कि मैं अपना प्यार काशवी को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये टैटू मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मीनवाइल काशवी बहुत ज़्यादा बिजी है ट्रैफिक को मैनेज करने में। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर कुछ कपल आएंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम आप हमें जाने दीजिए क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो इंजर्ड है। काशवी इमोशनल हो जाती है और उन्हें अलाउ कर देती है, बैरिकेड्स हटा देती है ताकि ऑटो जो है वो जा पाए। लेकिन जैसे ही ऑटो मोड़ता है बैरिकेड से तभी वो नित्या की गाड़ी से टकरा जाता है। दूसरी तरफ दादी अर्जुन से कहती हैं कि तुम काशवी के लिए भी ड्रेस सेलेक्ट कर लो, और वो उसके लिए ऑफ वाइट लहंगा सेलेक्ट करता है। तभी महिमा उसे टॉन्ट करती है उसकी चॉइस के लिए। थोड़े टाइम के बाद दिखाया जाएगा कि वो कहती है ये जो चॉइस है तुम्हारी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन तुमने राइट पर्सन नहीं चुना राइट टाइम पर। अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है, उसे घसीटते हुए कमरे में ले आता है। वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो अर्जुन। तभी अर्जुन कहता है तुम बताओ तुम ये सब क्या कर रही हो, थोड़े दिन में तुम्हारी शादी है मोहित के साथ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, सब कुछ अच्छी तो चल रही है, सब कोई तुम्हारी वेडिंग को स्पेशल बनाने में लगा है। तभी वो चिल्लाता है कि तुम्हारी जो ये आदत है मेरे साथ फ्लर्ट करने की वो एकदम घटिया है और मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और तुम भूलो मत कि कैसे तुमने हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट किया है और हमेशा उल्टा सीधा करने की कोशिश की है। और वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम समझो कि अब हम दोनों की जो इक्वेशन है वो चेंज हो चुकी है, मैं काशवी को प्यार करता हूँ और उसने मुझे ज़िंदगी का जीने का मकसद दिया है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो महिमा, तभी तुम्हें अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और वैसे भी तुमने ही डिसीजन लिया था ना शादी वाले दिन कि तुम पैसे के पास जाओगी अपना पार्टनर छोड़कर। अर्जुन तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि काशवी तुमसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अंदर से भी और बाहर से भी, और मैं तुम्हारे साथ उसे कंपेयर भी नहीं करना चाहता। और महिमा उसको बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर अर्जुन उसे वार्न करता है, कहता है कि तुम मेरे साथ डिसेंटली बिहेव करो, और वहाँ से चला जाता है। महिमा गुस्से में बुदबुदाती है और वो कहती है कि अब अर्जुन मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करूँगी। दूसरी तरफ नित्या काशवी को चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ कैसे कहें, तुमने ऑटो को वहाँ से जाने की परमिशन क्यों दी। काशवी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंजर्ड था इसीलिए मैंने वहाँ से जाने के अलाउ किया। तभी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है, वो कहते हैं कि जो डिग्निटरीज हैं वो आने वाले हैं कुछ मिनट्स में। नित्या कहती है कि जाओ यहाँ से। तभी काशवी कहती है कि प्लीज़ आप मुझे रहने दीजिए। नित्या उसे देखती है और कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, एक तो मेरे डिसीजन मेरे ऑर्डर के खिलाफ गई, उसे वार्न करती है कि मैं तुम्हारा ये जो बिहेवियर है वो सीनियर अथॉरिटीज़ को बताऊंगी ताकि तुम्हें पनिशमेंट मिल पाए। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अब काशवी की इस हेल्पलिंग ह्यूमैनिटी नेचर की वजह से क्या नित्या और उसका रिलेशन ख़राब होगा। आपको क्या लगता है कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।